दोस्तों जय हिंद, मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। जिनका सिलेक्शन सीसीडी में, वो बार बार पूछ रहे हो कि सर एक्सटेंशन मिल सकता है क्या, मेरा दूसरा है कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई उत्तर प्रदेश पुलिस में है, या सीपीओ है, या कोई और एग्ज़ाम है। तो देखो, एक्सटेंशन मेडिकल ग्राउंड पे मिलेगा, ऐसे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये। और ऐसा नहीं, अब फिर पूछ रहे हो कितने दिनों का मिलेगा, तो देखो कितने दिनों का मिलेगा ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन 2-3 महीनों से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात हो सकता है कि 2-3 महीने के बाद वो आपको बुलाए, 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो उन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है दिमाग, वो आपको जॉब देने के लिए आप एग्ज़ाम दिए थे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एक्सटेंशन दे करके छुट्टी लेके जाओगे घर पे और पढ़ाई करोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है, कम से कम जो जिसमें ट्रेनिंग होती है उसमें तो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह कि एग्ज़ाम में छुट्टी मिलेगी कि नहीं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल छुट्टी मिलेगी, ठीक है, लेकिन सेम ग्रेड पे रहेगा या उससे कम ग्रेड पे रहेगा तो उसमें बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलेगी, या मिल भी सकती है, वो यूनिट कमांडर पे डिपेंड करता है। फिर आप पूछ रहे हो सर एनओसी कैसे मिलेगा, तो देखो जैसे ही आप एग्ज़ाम ट्रेनिंग सेंटर जाओगे तो उसमें जब ही ज्वाइनिंग लेटर जिन लोगों का आ गया है, चाहे वो ईमेल आईडी पे हो या किसी और पे, तो उनको पता होगा या पढ़े हो तो उसमें लिखा होता है कि जब भी जैसे ही आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में अपने, तो अपनी जो फॉर्म आप अप्लाई किए हो, ठीक है, कम ग्रेड पे वाले का कोई मतलब ही नहीं है, या सेम ग्रेड पे का कोई मतलब ही नहीं है। एनओसी अप्लाई करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद जैसे ही आप किसी और फॉर्म में जो अप्लाई किए हो, चाहे किसी फॉर्म में ग्रेड पे अगर ज़्यादा है 2000 से, तो उसका एप्लीकेशन वो और उसका जो नोटिफिकेशन होता है जब भी भर्ती निकलती है, तो उन दोनों की कॉपी एक ले जाना और एक एप्लीकेशन लिखना होता है, वो आप अपनी कंपनी ऑफिस में जमा करोगे, वहाँ समझ जाओगे जैसे ही जाओगे, लेकिन ये सब आप लेके जा सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर में एग्ज़ाम वगैरह देने की बारी आएगी, इन जो पेपर भरे हो आप उसके लिए, तो आसानी से एनओसी मिल जाएगा जब भी भर्ती होगे तो, और छुट्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। हालांकि छुट्टी इतना आसान नहीं होता ट्रेनिंग सेंटर पे, लेकिन फिर भी बहुत आसान हो जाएगा कुछ हद तक, ठीक है। और ये बार बार कह रहे हो सर कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो मेरा ईमेल आईडी गलत है, फ़ोन नंबर जो है वो गलत, मतलब नहीं पता मुझे, और फ़ोन नंबर में भी नहीं है, तो सुनो मेरी बात, ज्वाइनिंग लेटर ऑफलाइन भी आएगा बाई पोस्ट, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जब भी हमारा जब ज्वाइनिंग लेटर था, तो पता होगा आपको उस वक्त कोरोना था, तो मेरे नंबर पे व्हाट्सअप किया था, ठीक है, हो सकता है आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरे को फ़ोन आया था मेरे नंबर पे, और फिर बोला कि मुझे हेलो लिखकर भेजो और अपना नाम लिखकर भेजो, वो व्हाट्सअप किए थे मुझे। तो कहने का मतलब, आप ज्वाइनिंग लेटर कैसे भी आपके घर पे आएगा, इसके लिए परेशान मत हो कि ईमेल आईडी गलत है। हाँ, बाकी बार बार आप पोस्ट ऑफिस जाके पता करते रहना, ताकि पता तो चले कि ज्वाइनिंग लेटर कब आ रहा है करके। जब ज्वाइनिंग लेटर आए, उससे पहले आप दो चीज़ कर सकते हो, एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, वो भी SBI में, और दूसरा आप ये करवा सकते हो कि कैरेक्टर बनवा सकते हो। कैरेक्टर बनवा नहीं सकते, कैरेक्टर बनवा लीजिए, ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो फिर 1-2 दिन में सारे साइन हो जाएंगे उसमें, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर तो वैसे भी चाहिए, और कैरेक्टर देख करके ही सारे पेपर पे साइन करेंगे जो ऑफिसर्स हैं, वो कई बार बिना देखे भी कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैरेक्टर की आवश्यकता आपको होगी। बार बार आप पूछ रहे हो सर जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कब होगा, कैसे होगा, तो देखो ज्वाइन लेटर जब भी आप लेकर जाओगे, ज्वाइन कर लोगे, उस वक्त एक फॉर्म भराया जाता है DC या DM के नाम से अपने यूनिट में, RTC में, ठीक है, उनको भरते हुए आप लिखोगे अपने पूरे एड्रेस को, फिर जिस एड्रेस पे आप लिखोगे, मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट से आप रहोगे उसी डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस पे लिखोगे, फिर वो जाएगा अपने DM के पास, और वहाँ से वेरीफाई जब होगा, तो ये कभी कभी 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कभी कभी 1 साल के अंदर कभी मतलब आ सकता है, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा समय अगर लेगा तो 1 साल लेगा, और वो आएगा फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट से आपके लोकल थाने में आएगा, फिर आपके घर आएगा, या आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये आपके घर पे वेरिफिकेशन आया है करके, फिर ठीक है, वो आप वेरीफाई करके वो भेज देंगे, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। और टाइम बता दिया आपको, अलग से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ये एक ही बार होता है लाइफ में, जब भी आप ज्वाइन कर लिए उसके बाद एक बार होता है, सिर्फ साल भर के अंदर हो जाता है, कई बार थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 8-10 महीने के अंदर हो जाता है, 6 महीने के अंदर, ठीक है। अगर फिर भी कुछ रह जाए, कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप हमको लिखिएगा, और जवाब जवाब आपको अवश्य मिलेगा,
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।